नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला और सीधे आपको ले चलते हैं यूपी विधानसभा, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुना देते हैं। भारत के सबसे बड़े प्रदेश के उस विधानसभा के जिसके सबसे ज्यादा सदस्य हैं, मुझे खुशी है कि आप आज इस पद पर बैठे हैं। मैं अपनी तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से और जितने भी हमारे विपक्ष के नेता हैं उनकी तरफ से मैं आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं। नेता सदन ने बहुत सी चीजें विस्तार से आप रखी हैं, मैं अपने आप को भी उससे संबंध करता हूं। और वही ये लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए जो परंपरा चली है, हालांकि नेता सदन ने कहा कि आपके नाम से तो पहले से ही महान जुड़ा है, लेकिन जो इस पद से परंपरा जुड़ी हुई है और जो स्पीकर कोई बनना नहीं चाहता था, जहां से ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का जो हम अपना रहे हैं, कई सौ वर्ष पहले जहां कभी किसी को, तो यूपी विधानसभा की आपको हम तस्वीरें दिखा रहे थे, आइए अब आपको ये भी सुना देते हैं कि यूपी विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 18वीं विधानसभा को संबोधित किया, क्या कुछ कहा है। विश्वास किया है, ये सभी चुनाव जीत करके आए, जनता के सामने आम जनमानस ने इन पर विश्वास किया, आम जनमानस का इन पर एक नया विश्वास प्रकट हुआ है और उस विश्वास पर कहीं भी हमें कोई भी किसी भी प्रकार से उसे अविश्वास में नहीं बदलने देना है। यह हमारा लक्ष्य होना चाहिए और इस दिशा में प्रयास की शुरुआत कल से मैं देख रहा हूं। माननीय सदस्यों ने शपथ ग्रहण किया, शपथ ग्रहण करने के बाद जिस सकारात्मक भाव के साथ शपथ ग्रहण का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, कल तक यहां पर 343 माननीय सदस्यों ने एक दिन में ही शपथ ग्रहण कर लिया था। 60 माननीय सदस्य बच गए थे, उनका शपथ ग्रहण अधिकतर ने आज यहां पर अपना शपथ ग्रहण भी संपन्न किया है। और किस सकारात्मक भाव के साथ सब लोग मिलकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। आज चुनाव संपन्न हो चुके हैं, अब हमें विकास के बारे में सोचना है, उत्तर प्रदेश के उत्थान के बारे में सोचना है, उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के हितों के संवर्धन के लिए सोचना है, उत्तर प्रदेश के युवाओं के बारे में, उत्तर प्रदेश की आधी आबादी महिलाओं के बारे में सोचना है, उत्तर प्रदेश के किसानों के बारे में सोचना है, उत्तर प्रदेश के मजदूरों के बारे में सोचना है और उत्तर प्रदेश के उन सभी दबे कुचले लोगों के बारे में जिनकी आवाज को देने का माध्यम लोकतंत्र ने उन्हें एक वोट के रूप में दिया है, उस आवाज को भी अब आगे बढ़ा करके शासन की योजनाओं से इसे मजबूती के साथ जोड़ने का कार्य अब सदन करे, इस विश्वास के साथ उसका एक प्रतिरूप आज विधानसभा अध्यक्ष के रूप में सर्वसम्मति से आपके चयन की इस प्रक्रिया का होना इस बात को मजबूती से और मजबूत करता है कि हम सब मिलकर के इस सदन की उच्च मर्यादाओं को, उच्च परंपराओं को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे और आज आपका चयन उसका एक उदाहरण भी है। देश के अंदर विभिन्न विधानसभाएं, उत्तर प्रदेश की विधानसभा के अंदर क्या कुछ हो रहा है इसको बहुत नजदीक से देखती है। मुझे याद है जब पिछले कालखंड, पिछले 17वीं विधानसभा में इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान हम लोगों ने विधानसभा के सत्र को यहां पे संचालित करने का निर्णय लिया। बहुत सारे प्रश्न उठ रहे थे कि कोरोना में सदन चलाना क्या आवश्यक है। हम लोगों ने कहा, देखिए संवैधानिक बाध्यताएं हैं और विधायी कुछ कार्य संपन्न होने आवश्यक है, इस दिशा से हम लोग उसकी कोई व्यवस्था देने जा रहे हैं।
हम लोगों का सत्र बहुत संक्षिप्त सत्र था, लेकिन सत्र कैसे हमने संचालित किया है, विभिन्न राज्यों से मेरे पास फोन आते थे कि कैसे आपने सदन का संचालन किया, कैसे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। और 17वीं विधानसभा तो इस मामले में बहुत रिच रही है कि उसने बहुत सारे ऐसे कार्य किए जो वास्तव में कार्यकाल 17वीं विधानसभा में सरकार को भी, माननीय सदस्यों को भी 3 वर्ष का ही कार्यकाल का एक अवसर प्राप्त हुआ था। 2 वर्ष कोरोना जैसी महामारी से जूझते हुए व्यतीत हुए, लेकिन उन 3 वर्षों में भी पहली बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पर सदन में चर्चा हो सके और लगातार 36 घंटे तक चर्चा चल सके। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, गरीबी उन्मूलन के क्षेत्र में, अन्नदाता किसानों के लिए, पर्यावरण के लिए, कैसे हम उस विकास की प्रक्रिया को सतत बढ़ाने के लिए कार्य कर सकेंगे, इस पर चर्चा होती। इस पर इसी सदन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जन्म जयंती के अवसर पर लगातार 36 घंटे तक हमारे सदन का चलना, माननीय सदस्यों के मन में आम जनमानस के प्रति बसी व भावना को प्रदर्शित करने का एक माध्यम बना था। उसने देश के अंदर एक बहुत सकारात्मक संदेश दिया। मेरे पास तमाम संस्थाओं की ओर से इस बारे में संपर्क किया गया, कैसे इस कार्यक्रम को चलाया गया, क्या गोल्स निर्धारित हुए हैं, सरकार ने उस गोल्स को अचीव करने के लिए अपने आगे की रोडमैप क्या तैयार किया है, इन सब पर एक सकारात्मक पहल आगे बढ़ी थी। यही सदन था जहां हम लोगों ने 2019 में इसी सदन में नवंबर 2019 को संविधान को अंगीकार करने के दिवस को, उसके 70वीं वर्षगांठ पर एक विशेष सत्र का आयोजन संविधान से संबंधित और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव व्यक्त करते हुए इस अवसर पर एक विशेष सत्र हम लोगों ने आयोजित किया था। और तीसरा विशेष सत्र भी आयोजित हुआ था जब 31 दिसंबर 2019 को संविधान के 126वें संशोधन विधेयक के समर्थन के लिए हम लोगों ने एक विशेष सत्र यहां पर आयोजित किया था, जो अनुसूचित जाति जनजाति से संबंधित, उनके हितों से संबंधित एक विशेष सत्र आयोजित किया गया था। 2020 के प्रारंभ में 7वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत परिक्षेत्र का एक ऐतिहासिक सम्मेलन भी यहां पर आयोजित हुआ था। श्री हृदयनारायण दीक्षित जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में 17वीं विधानसभा ने जिस गरिमा मूड में मई तरीके से सत्र के संचालन को, उन्होंने अपनी विद्वता से, अपने सार्वजनिक जीवन के अनुभव से आगे बढ़ाने का कार्य किया था, अत्यंत अभिनंदनीय रहा। और उत्तर प्रदेश विधानसभा में जिन बातों पर चर्चा होती थी, जिन मुद्दों को यहां पर उठाया जाता था, उसकी गूंज देश के अंदर विभिन्न राज्यों के साथ ही प्रदेश के अंदर भी गांव और गलियों तक भी सुनने को, देखने को हम सबको मिलती थी कि आज उत्तर प्रदेश विधानसभा में जनता से जुड़े भी इस मुद्दे पर गंभीर चर्चा हुई है। आज उत्तर प्रदेश विधानसभा में इस दिशा में एक नए प्रस्ताव को आगे बढ़ाया है। आज ये अलग अलग मुद्दों पर जनता के बीच में भी ये बातें सुनने को मिलती थी, वह एक बहुत सकारात्मक भाव होता है। मुझे लगता है कि जब जनता अपनी विधायी संस्था को एक विश्वास के रूप में देखती है, तो हम मानकर के चलें कि लोकतंत्र के प्रति आम जनमानस के विश्वास को प्रकटीकरण करने का सबसे अच्छा माध्यम होता है। और लोकतंत्र के प्रति आम जनमानस का विश्वास लोकतंत्र को सबसे ज्यादा मजबूती दे सकता है, और उस मजबूती का आधार हमें इस सदन को बनाना ही होगा। इस दिन से आज आपका चयन हुआ है, हम सब जानते हैं आप लगातार 8वीं बार उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य चुने गए हैं। आपके पास सार्वजनिक जीवन का एक लंबा अनुभव है। कानपुर जैसे औद्योगिक क्षेत्र में, मां गंगा के तट पर बसे हुए इस औद्योगिक नगर में
जमीन से जुड़े हुए एक आम कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते थे, बूथ स्तर के कार्यकर्ता के रूप में, मंडल अध्यक्ष के रूप में कार्यकर्ता के रूप में, शिक्षा और सेवा के क्षेत्र में कार्य करने वाले संगठनों के पदाधिकारी और एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते हुए आपने एक लंबे समय तक जहां उस फील्ड में काम किया, वहीं 8 बार से कानपुर महानगर से विधायक के रूप में आपका चयन आज इस सदन में होता रहा है। आपने विभिन्न सरकारों में भी अलग अलग मंत्री पद का दायित्वों का निर्वहन किया और कुशलतापूर्वक अपने नेतृत्व क्षमता का, अपनी प्रशासनिक क्षमता का, अपनी आम जनमानस के प्रति अपनी संवेदनाओं को प्रदर्शित भी किया है। वह आपके द्वारा लिए गए निर्णयों के आधार पर, आपके द्वारा किए गए कार्यों के माध्यम से बार बार एक सदस्य का एक क्षेत्र से चुनाव जाना, यह और वह भी तब जब दुर्भाग्य से जातिवाद की उस राजनीति की उस आंधी में एक व्यक्ति जिसकी अपनी कोई जाति न हो, जिसकी अपनी जातीय पहचान न हो, जिसने अपने जन्म के साथ ही पैतृक रूप से महाना शब्द जोड़ करके अपने को ये कहा कि भैया हम तो सेवा करते करते महान हैं, इसलिए हम लोग ये राष्ट्रवाद, सुशासन, विकास और गरीब कल्याण के इस अभियान के साथ जुड़ करके अपने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और लगातार जनता का एक विश्वास अर्जित करना। एक चुनाव हो सकता है, दो चुनाव हो सकते हैं, तीसरा भी चल सकता है, लेकिन बार बार चुना जाना, अच्छे वोटों से चुना जाना, हर बार मत का प्रतिशत बढ़ जाना एक बहुत सकारात्मक संदेश है। और पिछली सरकार में मुझे उस सरकार को भी नेतृत्व देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। उस सरकार में औद्योगिक विकास मंत्री के रूप में जो कार्य किया, उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार उत्तर प्रदेश के अंदर 360,000 करोड़ रुपए से अधिक की निवेश के प्रस्ताव को जमीनी पटल पर उतारने का कार्य करना, लाखों नौजवानों को नौकरी और रोजगार के साथ जोड़ने, उनके जीवन को उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर करने में जो योगदान दिया गया, कानपुर के विकास के साथ साथ उत्तर प्रदेश के समग्र विकास के लिए जो सकारात्मक भूमिका आपकी थी, डिफेंस कॉरिडोर आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप उत्तर प्रदेश के अंदर स्थापित हो और इसके लिए 6 नोड पर कार्य तेजी से हो, उत्तर प्रदेश के अंदर एक्सप्रेस वे का एक संजाल बिछे और उत्तर प्रदेश अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए देश के अंदर एक नई पहचान के साथ उभरे, ये भी उत्तर प्रदेश ने औद्योगिक विकास मंत्री के रूप में जब आपने इस पद को सुशोभित किया, ये सभी कार्य उत्तर प्रदेश की जनमानस में होते हुए देखे हैं। और स्वाभाविक रूप से आपने मेरी टीम के एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में कार्य करते हुए इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य किया। आज आप उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में आपका यहां पर सर्वसम्मति से चयन हुआ है, मैं इसके लिए आपको हृदय से अभिनंदन करता हूं, आपको हृदय से बधाई देता हूं और अपनी शुभकामनाएं ही देता हूं। आपका चयन ऐसे समय में हुआ है जब यह देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। यह आजादी का अमृत काल है। अमृत काल के लिए प्रधानमंत्री जी ने आगामी 25 वर्षों के लिए कुछ लक्ष्य निर्धारित किए हैं देश के अंदर, और देश के लिए जब कोई लक्ष्य निर्धारित हो तो देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य के लिए तो उन लक्ष्यों को प्राप्त करना और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अगर भारत को समयबद्ध ढंग से उन लक्ष्यों को प्राप्त करना है तो उसमें अग्रणी भूमिका के रूप में उत्तर प्रदेश को आना ही होगा। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी भूमिका होनी ही चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी आबादी का राज्य है, 25 करोड़ की आबादी। देश के अंदर अन्य किसी भी राज्य को हम देखेंगे तो उसकी आबादी उत्तर प्रदेश की आधी से कम ही है। और जब हम लोग देश की बात करते हैं तो इसकी
शुरुआत उत्तर प्रदेश से होनी चाहिए और अमृतकाल में आप उत्तर प्रदेश के विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं, यह अत्यंत सौभाग्य का क्षण है और इसके लिए मैं आपको हृदय से बधाई देता हूं। महोदय, मैं विश्वास व्यक्त करता हूं कि आपके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की हमारी ये 18वीं विधानसभा एक सुनिश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होगी। हम निरंतर उत्तर प्रदेश के विकास को आगे बढ़ाने में सफल होंगे। मैं अपने सभी नवनिर्वाचित माननीय सदस्यों को भी हृदय से उनके चयन के लिए, उनके निर्वाचन के लिए और उनके द्वारा शपथ ग्रहण किए जाने के लिए भी मैं हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं, उन्हें बधाई देता हूं। 5 वर्ष का उनका जो कार्यकाल है, ये जन अपेक्षाओं पर खरा उतरने का एक उन्हें माध्यम मिला है। अगर शासन की योजनाओं को समयबद्ध ढंग से वे आम जनमानस तक पहुंचाने में सफल होंगे तो आपकी तरह वे भी बार 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 चुने जाएंगे और इन्हीं में से कोई सदस्य एक दिन उस पद को सुशोभित करके फिर से अध्यक्ष पद को आगे बढ़ाने का कार्य करेगा। ये जानने का, सीखने का, क्योंकि सदन की परंपराएं तो हम लोग परंपरागत रूप से आगे बढ़ाते हैं। जो कुछ भी हम सीखते हैं, जानते हैं, संसदीय कार्यों के माध्यम से जो कुछ भी अनुभव हमारे सामने आता है, वही परंपराएं आगे बढ़ती हैं और सदन की परंपराएं इसी रूप में आगे बढ़ती रहेंगी। एक बार फिर से मैं आपको इस पद पर चयन के लिए हृदय से, अपनी ओर से, पूरे सदन की ओर से, पार्टी की ओर से हृदय से बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष के रूप में आप उत्तर प्रदेश के सदन की मर्यादा को, इसकी परंपरा को एक नई गरिमापूर्ण तरीके से आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे और उत्तर प्रदेश विधानसभा 17वीं विधानसभा की तर्ज पर, यद्यपि विगत दो वर्षों से हम लोग कोरोना जैसी महामारी से के प्रबंधन में ज्यादा समय हमें खर्च करना पड़ा, ज्यादा समय लगाना पड़ा, एक जगह एकजुट होकर के ज्यादा जमावड़ा नहीं होना है, यह जो भी प्रोटोकॉल थे उसका पालन करते हुए हम लोग अगले दो वर्ष में कोई कार्य इस प्रकार से आगे नहीं बढ़ा पाए। लेकिन समय समय पर राज्य के हित के लिए, 25 करोड़ जनता के हित के लिए और देश और दुनिया से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर के चर्चा परिचर्चा का एक माध्यम हमारा इस सदन बनेगा, इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से आपके प्रति हृदय से बधाई देता हूं। आपकी उज्ज्वल में भविष्य की कामना करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि आपके नेतृत्व में यह सदन अपनी उच्च परंपराओं को आगे बढ़ाने का कार्य करेगा। आपके प्रति मेरी पूरे सदन की मंगलमय शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। माननीय नेता प्रतिपक्ष, नेता समाजवादी पार्टी आदरणीय अध्यक्ष, रुख करते हैं खबरों का। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद मंत्रियों में विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। इस बार दोबारा जीत कर सत्ता में आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गृह, सूचना समेत कई अहम मंत्रालय अपने पास रखे। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को ग्रामीण विकास समेत 6 मंत्रालय दिए गए, जिसके बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय का भार सौंपा गया है। तो सीएम योगी के पास गृह समेत कई विभाग सौंपे गए हैं। यूपी में मंत्रिमंडल का बंटवारा हो चुका है। ब्रजेश पाठक को स्वास्थ्य और चिकित्सा मंत्रालय मिला है। तो स्वतंत्र देव सिंह को जल शक्ति मंत्रालय दिया गया है। सीएम योगी के पास गृह समेत कई विभाग, चौधरी
लक्ष्मी नारायण को गन्ना विकास मंत्रालय मिला है। धर्मपाल को पशुधन और दुग्ध विकास मंत्रालय। जितिन प्रसाद को पीडब्ल्यूडी विभाग मिला है। केशव प्रसाद मौर्य को ग्राम अभियंत्रण विभाग दिया गया है। बेबी रानी मौर्य को महिला कल्याण मंत्रालय मिला है। एके शर्मा के नगर विकास के साथ अतिरिक्त ऊर्जा विभाग भी मिला। नितिन अग्रवाल को आबकारी विभाग सौंपा गया है। कपिल देव अग्रवाल को व्यावसायिक शिक्षा विभाग मिला। दयाशंकर सिंह के परिवहन विभाग मिला है। आशीष पटेल को तकनीकी शिक्षा। संजय निषाद को मत्स्य पालन। सीएम योगी के पास क्रय समेत कई विभाग मिले हैं। आपको हम मंत्रिमंडल का जो बंटवारा हुआ है उसकी जानकारी दे रहे थे कि आखिरकार किस मंत्री को कौन सा विभाग मिला। भूपेंद्र चौधरी को पंचायती राज मंत्री बनाए। अनिल राजभर श्रम एवं सेवा योजन समन्वय मंत्री। धर्मवीर प्रजापति कारागार एवं होमगार्ड मंत्री। लखनऊ में बिजली विभाग के तमाम कर्मचारियों ने जमकर प्रदर्शन किया। लखनऊ में बिजली विभाग के मुख्यालय शक्ति भवन पर कर्मचारियों ने जमकर नारेबाजी की और हंगामा किया। कर्मचारियों के प्रदर्शन को देखते हुए शक्ति भवन के गेट भी बंद करने पड़े। आपको बता दें कि सभी कर्मचारी निजीकरण समेत सरकार की तमाम नीतियों के खिलाफ 2 दिन तक प्रदर्शन करेंगे। तो लखनऊ में भी भारत बंद का असर देखने को मिला है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर जोरदार प्रदर्शन किया गया है। एक कहावत तो आप सभी ने सुनी होगी, जवाकर आके साइया मार सके ना कोई। कुछ ऐसा ही देखने को मिला है फिरोजाबाद में। दरअसल फिरोजाबाद के रेलवे स्टेशन में जहां शाम को गोमती एक्सप्रेस ट्रेन फिरोजाबाद स्टेशन पर हल्की रफ्तार में चल रही थी, तभी कुसुम लता शर्मा नाम की एक महिला चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश की तो महिला का पैर स्लिप हो गया और वो पटरी की साइड में गिर जाती है, जिसके बाद ट्रेन के गुजर जाने के बाद भी महिला को कुछ भी नहीं हुआ, जिसका लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए, ट्रेन पूरी तरीके से महिला के ऊपर से गुजर गई लेकिन महिला को खरोंच तक नहीं आई है। तो कहीं ना कहीं इन तस्वीरों को देखने के बाद ये कहावत यहाँ पर सच होती दिखाई दी है कि जाको राके साइया मार सके ना कोई। कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना के ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक शाहजहांपुर का शहीद उद्यान पार्क इन दिनों अश्लीलता का अड्डा बनता जा रहा है। पार्क में चल रही अश्लीलता की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक एस आनंद के निर्देश पर आज जब थाना सदर बाजार पुलिस ने पार्क में छापेमारी की तब ठेकेदार के कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। पुलिस ने पार्क के अंदर अश्लील हरकतें करते हुए 2 जोड़ों को पकड़ा, जिनसे पूछने पर पता चला कि उनसे 10 रुपए की टिकट की जगह 100 से 300 रुपए के टिकट लिए जाते हैं। फिलहाल पुलिस ने पकड़े गए जोड़ों में से युवतियों को उनके परिजनों को सौंप दिया है। कितने का टिकट दिया था? 300 रुपए दिए थे। हम ऐसे ही हम 2 लोगों का 1 लोगों का मैडम
हमको मतलब हम कॉलेज से आ रहे थे तो हम थक गए थे, तो हमने हम फ्रेंड्स हैं जो पूछ रहे वो बता दें कि 300 रुपए का टिकट एक लोगों का था, दो लोगों का था, ये मतलब हम दोनों का था। अपना उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।